पर फिर से रुख कर लेते हैं। दिल्ली को आज मेयर मिल जाएगा, इसकी संभावना लग रही है, क्योंकि इस वक्त एमसीडी सदन में वोटिंग चल रही है। पार्षद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक चल रही है। हालांकि इस बात का अंदेशा था कि शांतिपूर्वक आज मतदान संपन्न होगा, क्योंकि आज जो एमसीडी सदन बुलाई गई है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि नंबर उनके साथ हैं, बहुमत उनके साथ है, तो मेयर उन्हीं का होगा। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि परिणाम अप्रत्याशित रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने तमाम पार्षदों से अपील की है कि पार्षद अपनी अंतरात्मा के आधार पर मतदान करें। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के एमसीडी सदन की, जहां पर मेयर चुनाव के लिए इस वक्त वोट डाला जा रहा है। और मेयर चुनाव का वोटिंग जब संपन्न होगी मेयर चुनाव के लिए, और तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या अभी स्थिति है और जो वोटिंग कब में कितना वक्त लगेगा और परिणाम कब तक हम अपेक्षित कर सकते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 57 तक अब पार्षद बुला लिए गए हैं और करीबन कैलकुलेट करें तो 1:15 के आसपास ये पूरी तरह से वोटिंग ख़त्म हो जाएगी। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तीन जो सांसद अभी तक नहीं पहुंचे थे बीजेपी के अपना वोट एक्सरसाइज करने के लिए, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी और रमेश पिधूड़ी, गौतम गंभीर अभी अभी सदन के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने संभवतः अपना जो वोट है रेखा गुप्ता, जो बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं, उनको डाल दिया है। और अभी भी वक्त है बीजेपी सांसदों के पास 1 घंटे का कि मनोज तिवारी और रमेश पिधूड़ी, अगर कोई बहुत इमरजेंसी रीज़न नहीं है तो वो सदन के अंदर आकर वोट डाल सकेंगे, इस बात की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी का जो हेड काउंट 113 वोट का था वो रिड्यूस होकर 111 पहुंच जाएगा, और अगर वाजिब कारण नहीं हुआ तो ये आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका दे देगा, जो कि बीजेपी दावा कर रही थी कि आपके कुनबे के अंदर सेंधमारी हो सकती है। वहीं बीजेपी के विरोध में आम आदमी पार्टी ये प्रचारित करने की कोशिश करेगी कि आप अपने सांसदों तक को वोट नहीं डलवा सके, क्या दिल्ली का मेयर चुनते हैं। यानी अब तकरीबन मान के चलिए कम से कम 1 घंटे से 1.25 घंटे का वक्त होगा जब तक ये वोटिंग चलेगी। और आज अभी तक की जो वोटिंग है उसका पैटर्न आपने देखा, लगातार आप वहां पर मौजूद है, कुछ विशेष आपको नजर आया वोटिंग के दौरान? देखिए, मैं तस्वीरें भी दिखा दे, जो जो कैबिन बना है, एक बॉक्स बना है, वहां पर बिना कैमरे बिना उनके वार्ड की संख्या बताई जा रही है। अभी 57 नंबर वार्ड तक के जो पार्षद हैं वो जाकर अपना वोट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो सांसद हैं उनको सबसे पहले मौका दिया गया और रेखा गुप्ता का नाम अब भुला लिया है, जो कि बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं। शालीमार बाग से, विधानसभा क्षेत्र से वो पार्षद हैं और अब वो अपना वोट डालने के लिए कतार में लगी हुई देखी जा सकती हैं। और रेखा गुप्ता के बाद 86 नंबर वार्ड है जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय का वार्ड संख्या है, लिहाजा करीबन 15 मिनटों के बाद बारी आएगी डॉक्टर शैली ओबराय की कि वो अपना वोट एक्सरसाइज करें।
एक सवाल ये भी वाजिब बनता है कि प्रोटेम मेयर हैं, पार्षद तो वो भी हैं, बेशक बीजेपी की पार्षद है सत्या शर्मा, वो अपना वोट एक्सरसाइज करेंगी या नहीं करेंगी? तो ये डिपेंड करता है कि सब वोट खत्म हो जाने के बाद सत्या शर्मा भी वोट डालेंगी। तो ये व्यवस्था होती है कि अपनी जो पार्टी है, क्योंकि सब पार्षद वोट डाल चुके हैं लिहाजा वो भी अपना वोट डालने का अधिकार रखती हैं। और अब आप देखिए तस्वीरों के जरिए रेखा शर्मा जो बूथ बना हुआ है, पोलिंग बूथ, वहां पर ही जहां पर वो बैठी थी वहीं पर अपना पेन और मोबाइल रख दिया है, क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया है मोबाइल से कोई तस्वीर नहीं लेगा, कैमरा हो सकता है, किसी भी तरह से तस्वीर लेना प्रतिबंधित है जो भी अपना वोट एक्सरसाइज कर रहा है। और रेखा गुप्ता पर्ची अपनी बाहर ले आई हैं और वोट अपना दिखा रही हैं सभी पार्षदों को और सदन को, और जो बॉक्स बना है बैलेट है उसको, अपनी जो पर्ची है उसको उस बैलेट बॉक्स के अंदर डाल रही हैं। तो बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं जिन्होंने अपना वोट एक्सरसाइज कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अभी भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक से रेखा गुप्ता पार्षद हैं, लिहाजा एक तरह से मॉरल सपोर्ट बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार को देने के लिए अभी तक डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन से विदा नहीं ली है। जो बाकी सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और इसके अलावा जो अपना सिंह वर्मा हंस, वो सदन से संभवतः चले गए हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने करीबन एक घंटे के आसपास का वक्त और लगेगा। संख्या रहती है तरुण, एक घंटे का वक्त अभी और लगेगा, उसके बाद ये वोटिंग संपन्न होगी। बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम मैं लौटता हूं तरुण आपके पास, बलराम करो कह रहते हैं। बलराम क्योंकि आप एमसीडी सदन के बाहर है तो इस वक्त क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, जो नेता निकल रहे हैं जो आ रहे हैं वहां पर कुछ समर्थक भी मौजूद होंगे, क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि आंकड़ों में तो आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आज पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंच कर भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं और सदन में वो पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, तो इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर सैली ओबराय, उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि जो बीजेपी के सांसद हैं वो अपना वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं, गौतम गंभीर भी बाहर आ चुके हैं, जो मीनाक्षी लेखी हैं वो भी बाहर आ चुकी हैं, तो जो वोट डाल रहे हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हालाँकि कई सांसद अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदन के अंदर मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं विधायक हैं वो सदन के अंदर मौजूद हैं, साथ ही जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो भी सदन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का रोल होना चाहिए उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से वोटिंग का बहिष्कार किया है उसको लेकर के जो फायदा होने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी को होना था, लेकिन जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात नहीं कही गई, तो कहीं ना कहीं जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने की वो कोशिश नाकाम नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर नंबर की बात की जाए तो 151 नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी के पास है, और यही वजह है कि 15 साल बाद अब ऐसा लग रहा है कि